हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा फेस पैक लेकर के आई हूँ जो कि ऑयली स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। और ये आपके इस बरसात के मौसम में अगर ये पैक आप लगाते हैं तो आपके फेस पे, अभी इस मौसम में फेस पे बहुत सारा ऑयल निकलता है जिससे कि पिंपल्स भी बहुत ज़्यादा हो जाता है फ्रेंड्स। तो इसलिए ये पैक आप ज़रूर ट्राई करिए, और इसे लगाने के बाद आपका वाइट भी हो जाएगा और ये ब्लीच का भी काम करेगा फ्रेंड्स, और आपके फेस पे पिंपल्स जो आते हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाएगा और ये झाइयाँ वगैरह भी ख़त्म हो जाएगा फ्रेंड्स। तो ये बहुत ही अच्छा है फ्रेंड्स ये फेस पैक, तो इसलिए इस फेस पैक को एक बार ट्राई करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये फेस पैक कैसा लगा। और उसके बाद मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे तो दूसरों को शेयर भी कीजिए जिससे कि उनको भी फ़ायदा हो फ्रेंड्स। तो चलिए, मैं ज़्यादा बातें ना करके मैं सबसे पहले काम करती हूँ। तो सबसे पहले अभी मैं फेस पे, आप देख रहे हैं कि मैं कुछ भी नहीं की हूँ, कोई मेकअप भी नहीं लगा, कुछ भी नहीं की हूँ, बस जैसे हूँ वैसे आई हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप फेस को इस तरह से क्लीन कर लीजिए, गुलाब जल है तो गुलाब जल से आप क्लीन कर लीजिए, और नहीं तो नॉर्मल वाटर से आप क्लीन कर लीजिए। और फ्रेंड्स, देख सकते हैं कि मैं क्लीन की हूं, और टिश्यू पेपर अगर है तो टिश्यू पेपर से, नहीं तो कोई भी साफ कपड़ा से आप इसे इस तरह से पोंछ लीजिए। जितने भी धू डस्ट वगैरह है वो सब निकल जाए। फेस आप गुलाब जल से क्लीन कर लेंगे, उसके बाद से मैं आपको एप्पल का ये पेस्ट बना करके रखी हूँ, हटा दीजिए और कद्दूकस करके आप इस तरह से इसका पेस्ट बना लीजिए। ये है मुलेठी चूर्ण, ये इस तरह से मैं डब्बे में करके मुलेठी चूर्ण को रखी हूँ। और मुलेठी चूर्ण का काम है इस फेस को ब्लीच करना, और ये बहुत ही अच्छा फेस को क्लीन करता है और वाइट करता है, जो वाइटनिंग और ग्लो लाता है फ्रेंड्स। तो मैं इसे इसमें मिला दूंगी एप्पल, और एप्पल का भी काम है पिंपल्स को हटाना, और ऑयल रहता है वो सारे चीज को एकदम साफ कर देता है और आपका फेस में ग्लो आएगा फ्रेंड। ये इस तरह से आप इसे मिला लीजिए। इसे लगाने का एक अलग ही तरीका है फ्रेंड्स, ज्यादा इसे अच्छे से मिला लीजिए, उसके बाद से आप अपने फेस पे इस तरह से लगा लीजिए, और हाथ से ही लगाइए फ्रेंड्स, ये हाथ से ही अच्छे से लगेगा। ये फेस पैक बहुत ही अच्छा है फ्रेंड्स, अगर आप एक बार ट्राई करेंगे तो उसके बाद से आपको पता चलेगा। ये पायल मैम का बताया हुआ फेस पैक है, और वो जो भी बताती हैं एकदम नेचुरल बताती हैं, और उनका अगर जो रेमेडी अगर लोग यूज अपने फेस पे या हेयर पे जो करते हैं उसका इफेक्ट कुछ दिनों में उसका इफेक्ट आता है फ्रेंड्स। अगर आप रेगुलर उस पैक को अपने पे यूज किया जाए तो वो बहुत ही अच्छा उसका इफेक्ट होता है फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप और हल्के हाथों से आप इससे इस तरह से मसाज भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, और इस तरह से आप लेट जाइए फ्रेंड्स, इस तरह से लेट जाने से आपको ज्यादा अच्छा रहेगा। लगाने के बाद इस तरह से आप थोड़ी देर के लिए लेट करके सुखा लीजिए, उसके बाद से आप जब ड्राई हो जाएगा तो फिर आप इसे धो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ड्राई होने के बाद मैं आती हूँ। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं कि ये सूख चुका है, अब मैं जा रही हूँ इसे धोने के लिए, धो करके आके आप लोगों को दिखा। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं कि अभी मैं धो करके आ गई हूँ, और इसे धोने के बाद आप इस तरह से टैप टैप करके
सुखा लीजिए और उसके बाद से हल्का सा कोई भी मॉइस्चराइजर आप लगा सकते हैं। फेस को पोंछने के लिए कभी भी आप नीचे पोर्शन में मत पोंछिए, हमेशा तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये मेरा हो चुका है फेस क्लीन और कितना अच्छा ग्लो कर रहा है। कुछ ही देरों में आपका 10 से 15 मिनट अगर आप इसे रखते हैं तो आपका एकदम फेस ग्लो करने लगेगा। तो ऑयली स्किन के लिए ये बेस्ट है फ्रेंड। तो चलिए आप ट्राई कीजिए और ट्राई करके मुझे ज़रूर बताइए और दूसरों को शेयर भी कीजिए कि दूसरों को भी लाभ। थैंक यू।